लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़े चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। वहीं इस दौरान दो शातिर अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी का भारी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस अधीक्षक विजय ढूल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर छाउच चौराहा से दो शातिर अभियुक्त आदर्श उर्फ मुलायम एवं अंकित रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी निशानदेही पर मथना जंगल से 3 चोरी की गई ई रिक्शा व 10 बैटरी बरामद किए गए है। वही इन शातिर अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें कई थानों में इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे भी दर्ज है। वही खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्साह वर्धन हेतु 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। कोतवाली सदर में मुखबिर की सूचना पर दो व्यक्तियों को पुलिस द्वारा छाउच चौराहे से गिरफ्तार किया गया। निशानदेही पर 3 ई रिक्शा और 8 ई रिक्शा की बैटरियां बरामद हुई है। दोनों व्यक्तियों का उम्र में लगभग आधा दर्जन चोरी, वाहन चोरी और आम सेक्ट के मुकदमे इन पर दर्ज हैं। एक अपराधी लखीमपुर खीरी से है और एक सीतापुर से है। जनपद सीतापुर से भी संपर्क कर इस अपराधी के बारे में, इसके अपराधी के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। मेरे द्वारा जो पुलिस टीम ने जिसने ये अच्छा कार्य किया है उसको उत्साहवर्धन हेतु 5,000 रुपये नगद इनाम दिया। सर, किस तरह चोरी को अंजाम देते थे ये लोग? ये मौका देख कर उसको कहीं सुनसान जगह पर कोई खड़ा हो उस ई रिक्शा को चुरा लेते थे। और पूर्व में इन्होंने बताया कि पहले इस रिक्शा से पहले पूर्व में इन्होंने एक दो बार जो उसके जो ई रिक्शा का मालिक है, ड्राइवर है, उसको कुछ सुंघाकर भी या कुछ उसको नशीला पदार्थ खिलाकर तब भी ई रिक्शा को चुराया।